बड़ा बाढ़ आ गया, वो तलाव फैल में आ गया बाढ़, घर डूब गए, दत्ता चौक में आए, शारदा चौक में आए। आपकी बस कहाँ थी तब? मेरी बस नहीं, क्या आर्मी की नद है ना, वहाँ बस में नहीं थी, मैं ऑटो में थी, तो ऑटो में भी आधा पानी हो गया था, आर्मी गांव में। अच्छा, आधा पानी हो गया, वहाँ से बारिश लगी तो पुलिया भी पूरा भर गया था, उसमें ऑटो भी नहीं चल पाता, कैसे भी मुसीबत में आ गए हम लोग, बहुत पानी। अरे आप पे तो गौ माता का आशीर्वाद है, थोड़ी आपको कुछ हो सकता है। हम बोले कैसे गए, हमको रोना आ गया पूरा, इधर उधर बह रहे, बर्तन बह रहे, बेचारे लोग बह रहे पानी से, ऐसे हो गए हालत, बहुत हालत। फिर कनान नदी के ऊपर जब वो पुलिया पे आए वहाँ भी पानी था, पूरा भरा हुआ, पूरा भर गया था। नदी है वहाँ भी पानी था, वर्धा नद में आए तो उधर भी थोड़ा सा हो गया था, जब उतरे तब हम ऑटो में आए, बस बंद थे, रात को 12 बजे या 10 बजे आई मैं इधर, 12 बजे बस लगी था दोपहर में, यवतमाल की इधर, उधर आर नहीं, कुसर बिगड़ बहुत हालत खराब है, बाप रे ऐसा हो गया, ऐसे बड़े मुसीबत में बच कर आई। चलो अच्छा है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, हनुमान जी महाराज आप पर आशीर्वाद है, कृपावान है। चलिए हमारी दीदी जो खाना पकाते हैं, शी इज टेलिंग अबाउट हर ऑर्डील। छुट्टी पर गए थे, केशव नाम से हमें पुकारते हैं, तो जो दृश्य उन्होंने देखा है विनाश का वो अपने मुख से सब बताना चाह रहे हैं। अपनी बेटी के यहाँ गए थे, गौ माता का आशीर्वाद है, श्री धर्म का आशीर्वाद है, उन्हें क्या हो सकता है। महाभारत के युद्ध के पहले पांडव गण एक साथ सैर इंद्री कक्ष में केश कटवा रहे थे। श्री हरि गोपाल कृपाचार्य के साथ सैरिंद्री कक्ष में आते हैं। कृपाचार्य श्री महाराज धर्म युद्ध के पहले केश को सीमित रखने की नियम के नियम बताते हैं, कारण बताते हैं महाभारत युद्ध के पहले। यह विराट जी के महल में होता है, वहां उत्तरा देवी होती है, उनकी सुपुत्री, वह श्री अर्जुन जी से कहती है, आचार्य जी, आचार्य यह कारण क्योंकि वह नृत्य और संगीत विराट महल में सिखाया करते थे अंतिम वर्ष में अज्ञातवास के, यह कारण। वह पूछती है, यदि आप यह केश लेकर युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, इनसे क्या हानि हो सकती है? श्रीमन, इनका उत्तर देने से पहले कृपाचार्य श्री महाराज कहते हैं, मुकुट धारण जब आप करते हो
शिखा शिखर भाग में होना चाहिए। जो शिखा होती है, जो शिखा होती है वह जुठ बनकर, शिखा जो होती है वह जुठ बनकर शिखर भाग में होनी चाहिए, जो मुकुट का शिखर होता है मध्य भाग। और केश कुछ पीछे भाग से गुप्त रहने चाहिए। धरने का, कोई शत्रु आपके केश न धरे, यह कारण। और इनसे सर्व का अपमान न हो, यह कारण। वन में इसी प्रकार रूठ देख के, उंगलियों से नाप कर हम केश को छोटे किया करते थे जब आवश्यकता होती रही। मात्र शिखा भाग को बचा कर रखना है थोड़ा। और कृपाचार्य श्री महाराज कहते हैं, अनुशासन, सेना के अनुशासन को यह दर्शाता है, केश मोहित करता है। यह कारण उन्हें सीमित रखना आवश्यक होता है। यह सुनते ही केशव जी, केशव महाराज शैलेंद्री की कुर्सी पर, शैलेंद्री जहां केश बना दे रहे हैं वहां जाकर बैठ जाते हैं। बोलते कहते हैं, हमारे केश भी छोटे कर दीजिए, हम नहीं चाहते कि पांडव गणों ने अपने केश सीमित कर दिए हैं और हम लंबे केश लिए घूमे। जबी भी आप केश कटवाते हैं, घर में यदि किसी शैलेंद्र से आप कटवा रहे हैं, यहां वहां ना फेंके। केश माटी के पात्र में या माटी में मिलाइए और माटी में कोई पवित्र स्थल में जाके उन्हें विसर्जित कर दीजिए, धरा पर या तो नदी में, किसी नदी में। यहां वहां न फेंके आप, क्योंकि वह आपके केश है, आपके कर्म के साक्षी हैं। यह कारण वहां तो पानी के जल जलाशय में देखकर ही केश को छोटा किया जाता था। हो गई।
हमारे घुंघराले बाल हैं, ये कारण उनको पहले लंबा करना पड़ता है और धीरे से काटना पड़ता है। हद से ही हम कंघी करते हैं, और लकड़ी की कंघी कभी रहती है या कभी जो कोई कंघी जिनके बड़े दांत हो गए उनसे ही हम कर पाते हैं, नहीं तो कंघी फंस जाती है। इन पर अभिमन्यु जी महाराज उत्तरा देवी के पतिदेव कहते हैं, हमारे पिताजी ने और परमात्मा स्वरूप श्री हरि गोपाल वासुदेव कृष्ण ने केश अर्ध करवा दिए हैं, हम भी चाहते हैं हमारा भी करवा दीजिए। यही सर्व कार्य पीछे खड़ी द्रौपदी देवी याद करती हैं, क्योंकि वह जब विराट महल में थी विराट पर्व तो शैर इंद्री का ही कार्य करती रही, गुप्त रूप से किसी को न पता रहा कि वह महारानी द्रौपदी है। इन्हें तो समय लगेगा, धीरे 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 नाप कर कहीं कुछ घंटे लग जाते हैं। अभी 9 बज रहे हैं, कुछ घंटे लगेंगे इन्हें धीरे धीरे करते हुए। हम कुछ भाग आपको दिखाना चाह रहे थे कि किस प्रकार हम केश को हरिओम।